तो बनाना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के बीच में पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा मिश्रा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी ले लेंगे, ये गर्म पानी है फ्रेंड्स, और ये आधा कप के अकॉर्डिंग पानी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच शक्कर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इडली हूँ, पिज़्ज़ा में इसका काम आता है। तो हम यहाँ पे एक छोटे चम्मच ईस्ट ले लेंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दो कप मैदा ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक को। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो हम ईस्ट भिगो करके रखे थे गर्म पानी में, उसको हम मिक्स करके और यहाँ पर मैदे के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे। और लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही के अंदर मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी हाफ स्पून के अकॉर्डिंग टेस्ट के लिए डाली हूँ, आप चाहें तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे मैदे से। अब आप देख सकते हैं कि दही थोड़ा सा हमको कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ और अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो हमको बना करके और इसका तैयार करना है। तो अभी थोड़ा सा और पानी कम लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक से दो चम्मच और पानी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही हमको आटे को तैयार करना है और बिल्कुल स्मूथ सा डो हमको तैयार करना है, यानी कि रोटी के आटे से भी हमको थोड़ा सा सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से इसका मसाज करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ, आपको इसी तरीके से इसको मसलते हुए और हमको एक सॉफ्ट सा सेमी डो तैयार करना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मार बहुत खा चुका, अब हम इसको आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम आटा गूंथते जाएंगे उस तरीके से ये हार्ड होता जाएगा। अब हम थोड़ा सा हाथ में तेल ले लेंगे और इसको मसलते रहेंगे इस तरीके से। मतलब हार्ड का मतलब ये था कि जैसे कि मैं थोड़ा सा लूज आटा तैयार की थी, लेकिन जब हम उसको अच्छे से मसलने लगते हैं तो ये अपने शेप में आ जाता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से चाहिए। अब हम इसको ढक करके और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक इधर मैं आपको दिखा देती हूँ अगला प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई ली हूँ, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, और उसके अंदर मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। ये नमक मैं दो से तीन बार यूज करी हूँ, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा ऐसा आया है। तो कढ़ाई के अंदर इसको हम अच्छे से फैला लेंगे हाथों से, आप देख सकते हैं, और गैस हम ऑन कर लेंगे। और गैस पे हमको इस कढ़ाई को चढ़ा देना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि इसको बेक करने के लिए हमको और किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस तरीके से की कटोरी ली हूँ क्योंकि मैं इसी में बेक करती हूँ, इसी को लगा करके। तो आप इस तरीके का कोई भी एक कटोरी ले लें या फिर स्टैंड ले लें और इस तरीके से इसको रख दें, और ऊपर से आप इस तरीके की थाली में भी इसको बना सकते हैं पिज़्ज़ा को, या फिर इस तरीके की प्लेट तो सभी के घरों में होती है, तो मैं यहाँ पे इसी प्लेट को सेट कर रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि नीचे से चिकना हो जाए, और इसको हम ऊपर से ढक देंगे कि कढ़ाई हमारी अच्छी हीट हो जाए। अब हम इधर आटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आटा हमारा फूल गया है और बिल्कुल फ्लफी स्ट्रक्चर इसका आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम हाथ में तेल ले लेंगे और इसको हम इसी तरीके से थोड़ा सा मसल लेंगे। और आपको वीडियो में ही दिख रहा होगा कि आटा हमारा कितना सॉफ्ट है, तो आपको इसी तरीके का आटा तैयार करना है बेस बनाने के लिए।
तो ये आटा हमारा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको मसल लेंगे और अब हम ले लेंगे एक बोर्ड, या फिर आप चकला लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, और उस पर हम थोड़ा सा मैदा रेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको एक रोल सा शेप दे देंगे आटे को इस तरीके से, और इनको हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे जितना आपको बनाना है, जैसे तीन बनाना है, चार बनाना है, जिस तरीके आप आटा मतलब तैयार किए हैं उस तरीके आप डो तैयार कर लें, और उसी तरीका आप कट करके और बॉल्स बना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे चार बॉल्स बना रही हूँ, यानी कि मैं चार पिज्जा यहाँ पे बनाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका बराबर बराबर हिस्सों में इसको आप डिवाइड कर लें। तो देखिए आप देख सकते हैं मैं चार भाग में इसको डिवाइड कर ली हूँ। अब मैं ये देख रही हूँ कि कोई छोटा बड़ा हो तो हम इसमें सेट कर लें। तो मुझे ये दो जो है वो बॉल्स छोटे लग रहे हैं, तो मैं थोड़े से आटे को इसमें सेट कर रही हूँ। अब ये सारे हमारे डो बराबर हो चुके हैं। अब हम हाथ में ले लेंगे और इस तरीके से हम पीछे के साइड में इसको घुमाते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आपको भी कर लेने हैं, आप देखिए इस तरीके से। और हम एक ही साइड में इसको गोल करते जाएंगे और एक साइड से हम चिकना कर लेंगे। और अब हम इसको फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से राउंड करके, और जैसे हम बॉल्स बनाते हैं वैसे करके उसको हम हाथों से प्रेस कर लेंगे। और फिर हम थोड़ा सा इसमें मैदा रेस्ट कर लेंगे और इसको हमको रोटी के जैसा बेल करके और तैयार करना है, लेकिन रोटी हमारी पतली होती है और इसको हमको मोटा तैयार करना है। जैसे हम पिज्जा का बेस बनाते हैं ना, तो ये तो पिज्जा का बेस ही है, तो हमको तो उसी तरीके का तैयार करना है ना। तो देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना मोटा हमको रखना है क्योंकि पिज्जा का बेस इतना ही मोटा होता है। तो इस तरीके से इसको हम तैयार कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका प्लेट है, थाली है, आप जितना बड़ा छोटा इसको बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा प्लेट में ऑयल लगा लेंगे ताकि इसमें चिपके नहीं पिज्जा हमारा। तो इस तरीके से हम इसको चिकना कर लिए। अब हम इसी प्लेट में बेस को डाल देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। जितना बड़ा आपका प्लेट होगा उस हिसाब से आपको बेल करके और तैयार करना है बेस को। और हम इसमें सेट कर लेंगे। तो देखिए हम इसको सेट कर लिए। अब हम हाथों से थोड़ा थोड़ा सा एक एक इंच का इस तरीके का हम निशान बना लेंगे, या फिर आप चाहें तो ऊपर से एक पतली सी रोटी बना करके और उसको ऊपर से लगा करके और ये साइड साइड से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है। देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा किनारे से आप थोड़ा सा उंगली से प्रेस करके और इसको गहरा सा बना दें एक इंच के अकॉर्डिंग। तो ये हो चुका हमारा। अब हम एक फॉग ले लेंगे और फॉग से हम इसमें अंदर की तरफ छेद करेंगे ताकि ये फूले नहीं और पिज्जा हमारा अच्छा फ्लफी बनके और तैयार हो और अच्छे से सिक भी जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम फॉग कर चुके हैं। इस तरीके से आप भी बना के और तैयार कर लें। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस। ये पिज्जा सॉस मार्केट से मैं मंगाई थी। मैं इसका वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, चारों तरफ से इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपको जैसा खाना पसंद हो कम या फिर ज़्यादा। तो मैं लगभग यहाँ से यहाँ पे दो से ढाई चम्मच यहाँ पे मैं इसको लगाई हूँ पिज़्ज़ा सॉस को। इस तरीके से आप घुमाते हुए इसको स्प्रेड कर लें पूरी तरह से। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड की हूँ चीज़ का, वो पिज़्ज़ा चीज़ ही तो है जो मैं आप लोगों को अपलोड की हूँ, तो वहीं मैं उसी को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अब पिज़्ज़ा चीज़ को मैं यहाँ पे अच्छे से भर करके इसमें डालूँगी। आप कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ पसंद किया जाता है, तो मैं तो यहाँ पे ज़्यादा ही डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हम यहाँ पर कुछ टॉपिंग्स डालेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्रीन ओनियन का जो आय का हिस्सा होता है ओनियन का, वो मैं यहाँ पे गोल गोल करके और इसको मैं ऐसा शेप दी हूँ।
आप अपने मनपसंद कोई भी शेप ओनियन का दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसको लगाती जा रही हूँ। तो हमारा लग चुका, अब हम इसके बीच में शिमला मिर्च लगा देंगे ग्रीन कलर का, क्योंकि इससे जो है पिज्जा का तो यही सब्जी है जो हम पिज्जा में लगाते हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, या फिर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा ग्रीन शिमला मिर्च लग चुका है, अब हम कुछ यहाँ पे रेड शिमला मिर्च लगा लेते हैं। मेरे पास थी तो मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसका लुक अच्छा आता है। और अब यहाँ पे मैं ओनियन का, देखिए जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको अलग लुक देना चाहती थी इसलिए मैं ऐसा की हूँ। तो फ्रेंड्स आप अपने मनपसंद कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रेड शिमला मिर्च लगा रही हूँ, मेरे पास थी तो मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन से भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। तो हमारा हो चुका, अब हम ऊपर से इसमें लगा देंगे और भी शिमला मिर्च थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा हमारा। अब हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा और चीज, और अब हम डाल देंगे यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। आप इन चीज़ों की जगह पे चाहें तो पिज़्ज़ा सीजनिंग या मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओरिगैनो इस्तेमाल कर रही हूँ और रेड चिली फ्लेक्स। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर से इसको लगा देंगे तो ये और भी टेस्टी पिज़्ज़ा हमारा हो जाएगा। और अब हम इसको डायरेक्ट उठाएंगे और कढ़ाई हमारी हीट हो चुकी है तो मैं यहाँ पे ढक्कन हटा दी हूँ। अब हम ऊपर से इसको रख देंगे, बिल्कुल सावधानी से रखना है फ्रेंड्स, हाथ ना जले आपका। और अब इस तरीके से हम ऊपर से लीड लगा देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन सभी का फ्लेम, सभी का बर्तन अलग होता है तो इसलिए आप इसको 7 से 8 मिनट के बाद एक बार चेक कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पिज्ज़ा हमारा बन के तैयार हुआ है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। और चीज़ भी कितना बढ़िया मेल्ट हुआ है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देखिए इस तरीके से, और आप नीचे भी देख सकते हैं प्रॉपर कितना बढ़िया ये सिक चुका है, जैसे कि हमारा मार्केट का पिज़्ज़ा होता है उस तरीके का बेस बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। और पिज़्ज़ा भी अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम कट करके और तैयार कर ले रहे हैं, और जब तक पिज़्ज़ा हमारा बेक हुआ है तब तक हम दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिए हैं तो उसको भी हम रख दिए हैं बेक होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसका स्ट्रक्चर, इसका फ्लफी स्ट्रक्चर देख करके, और आप कह सकते हैं कि ये डोमिनोज से कम है या फिर पिज़्ज़ा हट से। ये देखिए आप पिज़्ज़ा को देख के ही समझ जाएंगे कि कितना परफेक्ट और फ्लफी पिज़्ज़ा बनके हमारा तैयार हुआ है, बढ़िया सिक भी चुका है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये रेसिपी बहुत परफेक्ट है फ्रेंड्स, जरूर बनाएं और आप भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखें खूब सारा ख्याल। और भी मेरे पास 2 पिज्जा, चलिए सीख लेते हैं।